पितर पक्ष चल रहे हैं, सब लोग अपने अपने पिताजी की फोटो फेसबुक में डाल रहे हैं, ग्रुपों में डाल रहे हैं, सब लोग नमन कर रहे हैं। हमने भी अपने बाबूजी की फोटो अपने ममाने के ग्रुप में डाल दिया, सबने नमन किया, किसी ने फूफा नमन कहा, किसी ने मौसिया नमन किया। एक मामा भी हमारे जुड़े हुए हैं छोटे, जिनको बाबूजी बहुत चाहते थे, बताते थे कि ये साथ में रहते, उनने कहीं नमन नहीं किया होगा। बाबूजी मेरे आत्मा बन चुके हैं तो उनकी तो नज़र में एक एक चीज़ है, वो भी कहीं ग्रुप में चुपचाप जुड़े होंगे, उनने देखा कि ग्रुप के बच्चों तक ने नमन किया है, हमारे साले ने नमन नहीं किया, आ गए फट से सपने में। कह लगे, कहे ग्रुप में हमारी फोटो डाले रहो हम का, हाँ कहीं मामा गौर करो एक बात, हम कहा हम बाबू जी गौर नहीं किया कोई बात, बोले सबने नमन किया, हमने कहा हाँ सब आपको बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, और लेकिन फुन्नी नमन नहीं करें। हमने कहा कि बाबू जी इसको अन्यथा ना लो, फुन्नी माने एक नहीं तैयार हैं कि आप हो नहीं, वो तो कहते हैं हो यहीं कहीं हो। कहने लगे सब चूतिया बनाने की बातें हैं, तो तुम लोगों से रिश्ता ही नहीं चलाना चाहते हैं समझे। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, हमने कहा नहीं बाबूजी बहुत चाहते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा हम लोगों का सुख दुख पूछते रहते हैं। तब बाबूजी को राहत की सांस मिली, अब बाबूजी हमारे तर जाएंगे। अगर ग्रुप में किसी फ़ोटो डाली जाए, सब लोग भैया नमन कर दिया करो, क्योंकि जो मृत्यु आत्मा होती बहुत शक्तिशाली होती, सब देखती किसके मन में क्या है, उसी हिसाब का वो व्यवहार करती है। तो मृत्यु आत्मा की आत्मा ना दुखाएं, हमने अपने बाबूजी को समझा दिया है। अब पितर हमारे तर गए हैं, बाबूजी जहाँ रहो खुश रहो, शांति से रहो, ईश्वर के चरणों में रहो, ज़्यादा पुन्नी मामा के विषय में या पुन्नी मामा को लेके परेशान ना हो। सबकी अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने अपने हिसाब से होती है, कोई लेट के प्रणाम करता है, कोई गांठी छू के प्रणाम करता है, कोई सर झुका के करता है। तो मामा भी हमारे किसी तरह से करते होंगे, चाहते वो भी हैं आपको बहुत, दिखावा नहीं करते। तो मामा की तरफ से और अपनी तरफ से हम दोबारा पिताजी आपको नमन कर रहे हैं, ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे, पहचान तो गए ही हो, हम आपके बेटे बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी कानपुर से।